हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद परिहार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्टेक्स इंग्लिश एकेडमी। फ्रेंड्स, क्या आपने तारिक फ़तेह जी का नाम सुना है? हाँ, मैं तारिक फ़तेह जी की बात कर रहा हूं, जो कुछ समय पहले तक पूरी दुनिया में मशहूर थे और पूरी टीवी चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में जगह जगह उनका नाम छपता रहता था और उनके आर्टिकल छपते रहते थे। कुछ लोग उनको बहुत पसंद करते थे और कुछ लोगों को उनसे बड़ी तकलीफ़ थी। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग घोर निराशा के बीच भी आशा और उम्मीद का चिराग लिए फिरते हैं, या कहें खुद ही एक रोशन चिराग बन जाते हैं। किसी को सुनना और बात है और किसी परिस्थिति को जीना और बात है। वह शख्स जो तमाम विरोधों और मुश्किलों के बावजूद सच्ची बात कहता था, इस दुनिया से 24 अप्रैल 2023 को टोरंटो कनाडा में हमेशा के लिए विदा हो गया, रुखसत हो गया। उनका जन्म 20 नवंबर 1949 को कराची, पाकिस्तान में हुआ था, परंतु 1947 में देश के बंटवारे से पहले उनका परिवार बम्बई में, यानी आज की मुंबई में, यानी भारत में रहता था। वे अपने आप को पाकिस्तान में पैदा हुआ एक भारतीय कहते थे और कहते थे, मैं एक पंजाबी हूँ जिसने इस्लामी परिवार में जन्म लिया। तारिक फ़तेह हर मोर्चे पर भारत के 1947 के दौर में धर्म के आधार पर विभाजन को की आलोचना करते थे। यानी 1947 में जो भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और जब पाकिस्तान बना, उस विभाजन का वो विरोध करते थे। हर मोर्चे पर, हर जगह वो कहते थे कि हमारे पूर्वज राजपूत थे जिन्होंने किसी कारण कभी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। उन्हें जय श्री राम कहने में गर्व था। वे मानते थे कि उनके पूर्वज हिंदू थे। वे एक स्वच्छ इस्लाम की वकालत भी करते थे। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा शख्स जो सच्ची बात कहता था, और ख़ासतर से हमारे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आसपास के क्षेत्र की जो ऐतिहासिक सच्चाई है उसको वो समय समय पर उजागर करता रहता था। बहुत सारे लोग उनको पसंद करते थे और बहुत सारे लोग, कुछ लोग कहूँगा, उनको नापसंद भी करते थे। लेकिन उनमें वो लोग थे जो या तो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं या जो अज्ञानता के अंधकार में रहना ही चाहते हैं, जिन्होंने अज्ञानता को ही जो है अपना ज्ञान समझ लिया है और इतिहास को झांकना नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बाबर, हुमायूं और औरंगजेब से बड़ी मोहब्बत है। वो जानना नहीं चाहते कि जब विदेशी आक्रांता हमारे देश में आए तो किस तरह उन्होंने हमारे लोगों के साथ अत्याचार किए, हमारे स्त्रियों को जबरन जो है अपने हरम में रखा, और किस तरह जो है उन लोगों ने धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर करवाया। और ये सारी बातें जो इतिहास में लिखी हुई हैं, समय समय पर लोगों के सामने आती रहती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। और आज जो पर्टिकुलर किसी धर्म में शामिल हैं, उन लोगों को अपना इतिहास भी याद रखना चाहिए कि उनके पूर्वज कौन थे और किस तरह उन्हें जबरन वो धर्म कबूल करके और जो है आज ये रूप दिया गया है, आज जिस रूप में वो हैं। तो बात करते हैं तारिक फ़तेह जी की। तारिक फ़तेह कट्टर जिहादी मानसिकता वाले इस्लामी लोगों के खतरनाक विरोध के बावजूद सच कहने का साहस रखते थे। उन्होंने पाकिस्तान के हुक्मरानों की कड़वी सच्चाई
अलग अलग मंचों से पूरी दुनिया को बताई। वे बायोकेमिस्ट्री से कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे, परंतु 1970 में उन्होंने सन अखबार से पत्रकारिता का अपना करियर आरंभ किया था। वे पाकिस्तानी टेलीविज़न के खोजी पत्रकार भी रहे। पाकिस्तानी मिलिट्री शासन द्वारा उन्हें 2 बार जेल में भी डाला गया। 1977 में देश विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए जियाउल हक सरकार ने उन्हें उनकी पत्रकारिता से वंचित कर दिया, यानी उन पर पत्रकारिता करने का के लिए प्रतिबंध लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में जब उन्हें बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ा और जब उनका वहाँ रहना मुश्किल हो गया, तो वो सऊदी अरब चले गए और वहाँ से फिर उन्होंने 1987 में कनाडा में अपना घर बना लिया। कनाडा विस्थापित हो गए। वे अपने आप को सलमान रुश्दी के कई मिडनाइट चिल्ड्रन में से एक मानते थे। मिडनाइट चिल्ड्रन का मतलब यहाँ पर दोस्तों 1947 में जो देश की आज़ादी हुई 15 अगस्त को, उस मिडनाइट से मध्यरात्रि से संबंध है कि उसके बाद जो पीढ़ी दुनिया में आई उसी से मिडनाइट चिल्ड्रन का मतलब है। और तारिक फतेह कहते थे, हमें कुछ षड्यंत्रकारियों ने जबरदस्ती एक महान सनातन सभ्यता से अलग करके स्थायी रूप से ऐसे शरणार्थी बना दिया है जो रेगिस्तान में एक तालाब एक बगीचे की तलाश में भटकने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कनाडा में रहते हुए पत्रकारिता और पुस्तक लेखन के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहाँ पर वो अनेक टेलीविज़न चैनलों और अखबारों से जुड़े रहे और हर मोर्चे पर किसी भी तरह के नस्लवाद और भेदभाव का विरोध करते रहे। वहाँ पर कई इस्लामिक कट्टरवादियों से उनका विरोध रहा और कई बार उन्हें जो है जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने अनेक टीवी शोज़ में होस्ट का काम किया और ख़ास तौर पर कनाडा के सन न्यूज़ नेटवर्क के लिए उन्होंने काम किया। वहाँ पर वो पॉलिटिक्स का भी बड़ा अहम हिस्सा रहे और कुछ पार्टियाँ को उन्होंने फॉलो किया और कुछ पार्टियों को उन्होंने छोड़ा। और छोड़ने का कारण एकमात्र यही रहा कि जब जब पार्टियों ने इंसानियत के विरुद्ध और कट्टरपंथियों के हक में जो है अपना फैसला लेना शुरू किया, तो उन्होंने उन पार्टियों का विरोध किया। और वो चाहते थे कि धर्म की अच्छाई को अपनाया जाए और बुराई जो है उसको स्वीकार किया जाए, उसको सुधारा जाए। तो इस तरह से वहाँ पर उनका लेखन का कार्य निरंतर चलता रहा। वे भारत में भी टेलीविज़न शोज़ में लगातार आते रहे और बड़े बड़े शोज़ में उनको जो है आमंत्रित किया गया। अखबारों में भी लगातार उनकी बातें छपती रही। तो 24 अप्रैल 2023 यानी आज से ही 2 दिन पहले वो इस दुनिया से विदा हो गए। एक अच्छा इंसान और सच्चाई की राह पर चलने वाला एक नेक इंसान, एक नेक चिराग बुझ गया। हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला ऐसे और लोगों को इस दुनिया में भेजे ताकि रोशनी के चिराग जलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।